बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। ईवीएम से चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग ईवीएम से चुनाव कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है। विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया है। इसके साथ ही अब आयोग ईवीएम की खरीद करने की तैयारी में जुट जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों के पदों पर चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल और मई के बीच में होनी है। आयोग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और हर जिले में एक ही चरण के अंदर चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। आयोग का मकसद है कि किसी जिले में आचार संहिता ज्यादा दिनों के लिए नहीं लगाया जाएगा। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही सैद्धांतिक सहमति दी गई थी, लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने इसकी लिखित सूचना आयोग को दे दी है। राज्य में पहली बार पंचायत के 6 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इस बार राज्य में 9 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसके लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट अंडर 90,000 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा।